Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। वित्त मंत्री भले ही बीजेपी के हों, लेकिन विधानमंडल में उन्होंने जेडीयू कोटे के मंत्रियों को भर भर कर पैसे दिए हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि इस बार बिहार का आम बजट बता रहा है। आपको मालूम है कि बिहार विधानमंडल में सोमवार को राज्य का आम बजट उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने पेश किया है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए उन्होंने 2,37,691 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इसमें लगभग जेडीयू के कोटे के विभागों को 1,17,893 करोड़ रुपए और बीजेपी कोटे के विभागों को लगभग 62,600 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। इससे तो यही लगता है कि भले ही संख्या में बीजेपी ज्यादा है, लेकिन बिहार एनडीए में अब भी नीतीश कुमार सबसे ज्यादा ताकतवर है। इसका अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि कुल बजट की 52% राशि मात्र 4 विभाग को आवंटित की गई है और ये सभी विभाग जेडीयू के पास है। कुल बजट की 16.50% शिक्षा विभाग में, 15.19% ग्रामीण विकास विभाग को, 8.19% समाज कल्याण विभाग को, 7.95% ग्रामीण कार्य विभाग को आवंटित किए गए हैं। ये सभी विभाग जेडीयू के कोटे में हैं। बीजेपी का एकमात्र विभाग है स्वास्थ्य विभाग, जिसके हिस्से कुल बजट की 7.4% राशि आई है। अब अगर बात हम करें बीजेपी के कोटे की, तो वहाँ भी धन की बारिश हुई है। वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद के वित्त विभाग का बजट 1,100.80 करोड़ से बढ़कर 2,421.24 करोड़ कर दिया गया है। मंगल पांडे के स्वास्थ्य विभाग का बजट 13,264.87 करोड़ से बढ़ाकर 16,134.39 करोड़ कर दिया गया है। शहनवाज हुसैन के विभाग उद्योग विभाग का बजट 1,285.87 करोड़ से बढ़ाकर 1,643.74 करोड़ कर दिया गया है। तो आइए अब आपको कुछ और विभागों का आवंटित बजट बताते हैं। शिक्षा विभाग 39,191.39 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग 15,456.47 करोड़, समाज कल्याण विभाग 8,201.13 करोड़, ग्रामीण कार्य विभाग 10,611.96 करोड़, स्वास्थ्य विभाग 16,134.39 करोड़, पथ निर्माण विभाग 5,819.3 करोड़, नगर विकास एवं आवास विभाग 8,175.94 करोड़, जल संसाधन विभाग 4,310.57 करोड़, कृषि विभाग 3,584.31 करोड़, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग 2,380.38 करोड़। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि इस बजट से बिहार के लोगों को कितना फायदा मिलता है और इस बार का बजट कितना फायदेमंद साबित होता है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें बिहार तक।